नमस्कार, मैं उस्मैन अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। शांतिपूर्ण तरीके से और कोरोना जैसे महामारी ध्यान में रखकर मनाया जाएगा 12 वफात। आपको बता दें, बहराइच शरीफ सैयद सलार मकसूद गाजी के सर जमे पर नहीं निकला जाएगा अब की बार जुलूस। कल के दिन पूरे दुनिया में जश्न मनाया जाता है, क्योंकि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जिससे मुस्लिम धर्म लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाते हैं। सभी लोग अपना अपना घर सजाते हैं, नात पढ़ते हैं। हमारे संवाददाता अजमल शाह ने कुछ लोगों से भी बात की। लोगों ने बताया कि जुलूस निकलते हैं, मगर अब की बार कोरोना की वजह से नहीं निकले जाएगा, सिर्फ घरों को सजाया जाएगा, मस्जिद और कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। मैं हूं अजमल शाह। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दुनिया भर में मशहूर बहराइच के सालार सैयद मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार दरगाह पर। आज दुनिया भर में 12 रबीउल अव्वल का जश्न मनाया जा रहा है, मगर उस पर कोरोना ने अपना संकट ढा दिया है। संकट ये ढा दिया है कि कोरोना काल में अब की साल इतनी इतिहास में देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जुलूस न निकाला जाए, मगर अब की साल कोरोना ने हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों के पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं, जिस वजह से अब की बार ये घरों से नहीं निकल सकते। क्योंकि अगर ये घर से निकलेंगे तो पता नहीं किसके रूप में इनके सामने कोरोना संकट ढा दे। आपको दिखा दें कि पूरी दुनिया भर में मशहूर जो एक महीना मेला लगाया जाता है, यहाँ पर मेला लगता है, दूर दूर से कितने लोग यहाँ पर आते हैं इस मेले को देखने। और जिस दरगाह का नाम है मसूद सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह के नाम से, पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आप देख सकते हैं कि कितनी, जैसे सरकार ने आदेश किया है कि मस्जिद और घरों को सजा सकते हैं, उसी तरह आज इस दरगाह को कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है, कितनी लाइटें लगाई गई हैं। मगर अब की इतिहास को अगर देखा जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जुलूस नहीं निकाला गया, मगर अब की साल ऐसा हो रहा है कि जुलूस कोरोना के संकट की वजह से नहीं निकाला जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि क्यों जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि सरकार ने भी आदेश किया है कि अब की बार जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इनसे पूछेंगे क्या उन सरकार के आदेशों का पालन हो रहा है। भाई सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा बना ले। चाचा आप आइए आगे, जरा मुँह पे कपड़ा लगा लीजिए। आपका नाम? नाम मामा। मामा सब कहाँ रहते हैं? अरे पल्ली बाग में। मामा ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि जुलूस न निकाला गया हो भी दरगाह से? कभी नहीं हुआ। अब की बार ऐसा क्यों? अब कोरोना की वजह से है ऐसा। कोरोना ने सारे त्योहारों पर पानी फेर दिया, क्या किया जाए। आपका नाम भाई? मुन्ना। कहाँ रहते हैं? पल्ली बाग में। जुलूस में शरीक होते हैं? जी जरूर शरीक होते हैं। कैसा होता जुलूस? जुलूस तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है, हमेशा से अच्छा होता ही आ रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ? हाँ, दूर दूर से लोग देखने आते हैं यहाँ पे। डिस्टेंसिंग बना ले भाई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फरमान। कहाँ रहते हैं भाई? जी यहीं चांदपुरे में। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कहाँ? मदरसा नूरुल में। अच्छा, क्या हुआ आपकी बार जुलूस नहीं निकल रहा है? आपके मदरसे से जुलूस निकलता है? जी बिल्कुल निकलता था, मगर अब कोरोना की वजह से सारे जुलूस बंद कर दिए गए, मतलब हर कोई त्यौहार नहीं मनाया गया है। जैसे ईद बकरीद नहीं मनाई गई, तो ये भी त्यौहार पर कुर्बानी दी जा रही है, हम लोग इसके लिए कुर्बानी दे सकते हैं। सरकार ने ये कहा है कि त्यौहार उसी तरह परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा, मगर कोरोना को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए उसको ज़रूर मनाना है, मगर सिर्फ जुलूस पर मना दी है। क्योंकि अगर जुलूस में लोग एकत्रित होंगे, कोरोना किसकी शक्ल में कब हमारे सामने आ जाए हमें खुद नहीं पता। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कितना संकट ढा दिया है इस कोरोना ने, जो जुलूस ना निकालने की मजबूरी आ गई। आपका नाम? अरे बताओ।
आपका नाम चाचा? मुन्ना। चाचा कहाँ रहते हैं? बहराइच में। चाचा जुलूस की बार नहीं निकाला जा रहा है। तो यही इसीलिए नहीं निकाला जा रहा, कोरोना के चक्कर से नहीं निकाला जा रहा। तो कोरोना से आपको खतरा है? बिल्कुल खतरा हो सकता है। तो मास्क नहीं लगाया? नहीं। ध्यान रखा करिए, मास्क लगाया करिए भाई। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इसको देखने आए हैं। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इस वक्त हम मौजूद हैं और लाइव दिखा रहे हैं आपको। मैं कैमरामैन शुएब अहमद के साथ अजमल शाह, बहराइच। मामा ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि जुलूस न निकाला गया हो भी दरगाह से? कभी नहीं हुआ। अब की बार ऐसा क्यों? कोरोना की वजह से है ऐसा। कोरोना ने सारे त्योहारों पर पानी फेर दिया। क्या किया जाए? आपका नाम? कहाँ रहते हैं? पल्ली बाग इमाम गंज। क्या जुलूस में शरीक होते हैं? जी जरूर शरीक होते हैं। कैसा होता जुलूस? जुलूस तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है, हमेशा से अच्छा होता ही आ रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ? दूर दूर से लोग देखने आते हैं। हाँ दूर दूर से लोग देखने आते हैं यहाँ पे। थोड़ा डिस्टेंसिंग बना ले भाई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हाँ क्या हुआ? आपके मदरसे से जुलूस निकलता है? जी बिल्कुल निकलता था, मगर अब कोरोना की वजह से सारे जुलूस बंद कर दिए गए। मतलब हर कोई त्यौहार नहीं मना रहा है। जैसे ईद बकरीद नहीं मनाई गई तो ये भी त्यौहार पर कुर्बानी दी जा रही है लोगों को, इसलिए कुर्बानी दे सकते हैं। सरकार ने ये कहा कि त्यौहार उसी तरह परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा, मगर कोरोना को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए उसको ज़रूर मनाना है, मगर सिर्फ जुलूस पर मनानी है। क्योंकि अगर जुलूस में लोग एकत्रित होंगे, कोरोना किसकी शक्ल में कब हमारे सामने आ जाए हमें खुद नहीं पता। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कितना संकट ढा दिया है इस कोरोना ने, जो जुलूस ना निकालने की मजबूरी आ गई। आपका नाम? अरे बताओ। आपका नाम? मुन्ना। चाचा कहाँ रहते हैं? बहराइच में। चाचा जुलूस की बार नहीं निकाला जा रहा? तो यही इसीलिए नहीं निकाला जा रहा, कोरोना के चक्कर से नहीं निकाला जा रहा। तो कोरोना से आपको खतरा है? बिल्कुल खतरा हो सकता है। तो मास्क नहीं लगाया? नहीं। ध्यान रखा करिए, मास्क लगाया करिए भाई। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ इसको देखने आए हैं। सैयद सालार मसूद गाजी।